सलाम। आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं भाई? ये के इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ यहाँ पर, एक तो बिलिंग इन्होंने 80% यहाँ पर बिलिंग है, इसके बावजूद यहाँ पे 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग है। बच्चे बीमार, मैयत हो जाए, कुछ हो जाए, इस लाइट ना होने की वजह से ना पानी आता है ना कुछ आता है। जब पानी आने का टाइम है उस टाइम लाइट में भी रात को 2 बजे भी लाइट चला देते हैं, सुबह 8 बजे भी चला देते हैं। यहाँ पे लोगों को उन्होंने ज़हनी अज़ियत दी हुई है, नफ्सियाती हो गए लोग इनकी वजह से, इस वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं। ये कौन सा एरिया है? ये भीमपुरा है, ओल्ड सिटी एरिया का इलाका है, भीमपुरा, भीमपुरा पकौड़ा चौक है। ये भीमपुरा सामने वाली साइड आप देख सकते हैं, ये भीमपुरा की, ये नानकवाड़ा, ये भी भीमपुरा है। ये पूरे इलाके के अंदर जो UC1 अभी बना है, सदर टाउन, पहले UC17 था, लियारी टाउन, ये इस पूरे UC के अंदर इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है। ओवर बिलिंग उतर रहे हैं, दूसरा जब दिल चाहता है लाइट बंद कर देते हैं, कोई ये चीज़ इन्होंने वो की हुई है, बिल्कुल हाल बुरा कर दिया लोगों का। यहाँ पर ना कोई नमाजी से नमाज के टाइम पर सही जा सकता है, मस्जिदों में पानी नहीं, बीमार हैं लोग, यहाँ पर इतनी अजियत हुई है, नफसियाती कर दिया लोगों ने के इलेक्ट्रिक ने। मतलब बिल में भी कमी नहीं करते हैं लोग यहाँ पे, और कमी भी नहीं करते, ऊपर से यहाँ पर इन्होंने कुछ ब्रोकर बनाए हुए जो इलाके से रिकवरी करा कर दे रहे हैं इन लोगों को। वो क्या करते हैं, इनके कैंप लगवाते हैं, रिकवरी करवाते हैं, उनसे ये लोग वादा करते हैं कि भाई हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे, अपना क्या बोलते हैं, लोड शेडिंग नहीं करेंगे, ये सब वादे करते हैं। उसके बाद ये कैंप लगाने के बाद लॉलीपॉप दे के फिर अगले दिन से लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। इस वक्त 80% बिलिंग है इस भीमपुरा UC1 की, इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने लोड शेडिंग की इंतहा कर दी है। तो ये डेली बेसिस पे कितने घंटे तक लग जाती है भाई? डेली बेसिस पे इनका कोई टाइम नहीं, 8 से 10 घंटे की इनकी लोड शेडिंग मिनिमम, डेली मिनिमम, और मैक्सिमम तो 12 भी हो जाते हैं, और कोई टाइम नहीं है, जब दिल जाता है लाइट बंद कर देते हैं, और इस तरह करते हैं, कभी एक साथ पूरा इलाका बंद कर देते हैं, कभी इलाके को डिवाइड कर देते हैं। इन्होंने इस इलाके के अंदर इतना जुल्म कर दिया है कि लोग इसकी वजह से तंग आ गए, ये बच्चे, ये लोग, ये पूरे इलाके के लोग बैठे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि ये सब तंग है ना, बेचारे गर्मी में सो सकते हैं, इस शदीद गर्मी में दिन में लाइट नहीं, घर की औरतें घर में काम नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती, रात में बच्चे सो नहीं सकते, क्या करे बंदा। यहाँ पे जो है ये हालात हैं, एहतजाजन जो है वो चल रहा है अभी भी। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ हैं, भाई आपका नाम? काशिफ। आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? यार ये एहतजाज हो रहा था बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर एहतजाज तो मैं आया हूँ, शामिल तो नहीं हूँ लेकिन ये कि फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करने के लिए आ गया हूँ। अच्छा, तो आपको इसके अलावा क्या प्रॉब्लम? लाइट तो जा रही है, रातों को जाती है, दिन में जाती है, आप लोग तो काम पे होते हैं तो घर में परेशानी होती है? हाँ, बहुत परेशानी होती है, बच्चे अलग परेशान, घर की औरतें अलग परेशान, और फिर अच्छा सबसे जो खास बात है वो ये है कि इतने घंटे लाइट बंद रखेंगे, उसके बावजूद जब बिल आएगा तो वो इतना बिल होगा कि पूरा महीने लोगों ने लाइट दी है। अच्छा, बिल में यानी कमी नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल कोई कमी नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा बिल भेजेंगे ये, जिस हिसाब से ये लाइट बंद करते हैं उस हिसाब से बिल भी तो कम भेजें ना। तो आपकी लाइट दिन में कितने घंटे जाती है? ढाई ढाई घंटे, 3 बार 4 बार, कभी कभी 5 बार भी कर देते हैं। अब तो हद हो गई है कि रात को 12 बजे बंद करते हैं, 2 बजे चालू करते हैं। तो उसके 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 मुताबिक तो बिल आपका कम आना चाहिए, 2,000 आना चाहिए, 2,500 आना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक अगर 2,000 आता है तो 500 रुपये आना चाहिए, फिर भी आपका यानी 2,000 बिल आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। 2,000 से आप ज़्यादा ही लगाओ, एक मिकाल है कि ये 2,000 आम में आता है, तो अब ये 2,500 रुपये 3,000 रुपये करके आएगा। नाज़रीन, यहाँ की आवाम बड़ी परेशान है, इनके बिल वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और लाइट लोड शेडिंग जो है, दिन में भी लोड शेडिंग हो रही है, रात में भी लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ की आवाम देख सकते हैं आप, आवाम का जो है जोश व खरोश है, यहाँ लोगों से बात करेंगे हम। बगल में आ जाओ।